हाय फ्रेंड्स, ऐसे आप सब और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत हूँ। एक बार फिर हम जॉब नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया राउरकेला स्टील प्लांट, इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इसमें जो है आपका लैब टेक्नोलॉजिस्ट एंड अदर पैरामेडिकल पोस्टों की जो है पोस्टों का एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको 1 ईयर्स के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लैब टेक्नीशियन के अलावा और डिफरेंट जो पोस्ट हैं, क्या क्या पोस्टें रहने वाला है, इसका सैलरी क्या रहने वाला है, दैट मीन्स स्टूडेंट के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, इस क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और टेन्योर कितने दिन का, सारा चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, यदि आपको अच्छा लगे तब जाकर जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम इस वीडियो में। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है रेफरेंस नंबर, दैट मीन्स नोटिफिकेशन नंबर, बोला गया ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड एलिजिबल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट ऑफ रेसिडेंट ऑफ डायरेक्ट इम्पैक्ट जोन ऑफ RSP बिरसा ब्लॉक, कारमुंडा ब्लॉक, नोगन ब्लॉक, डिफरेंट तरह के ब्लॉक के बारे में बताया गया है, ठीक है। ओनली द फॉलोइंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एट इस्पात जनरल हॉस्पिटल राउरकेला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, नीचे सारा चीज़ देखिएगा। पहला जो है आपका नेम ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम मेडिकल अटेंडेंट का है, ठीक है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग का है, एडवांस स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ट्रेनिंग का है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग का है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग का पोस्ट है, OT एनेस्थेसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग है, एडवांस फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, रेडियोग्राफर ट्रेनिंग, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग, इतने सारे ट्रेनिंग है, ठीक है। तो जिसके लिए एलिजिबल है इंटरेस्टेड है, उस पोस्ट के बारे में आप डिटेल्स इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़िएगा और इसके बाद ही आप जो है अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पे आपको हम मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बता दे रहे हैं क्या मांगे हैं। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ट डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इसके लिए टोटल 10 पोस्ट हैं, स्टिपेंड कितना मिलने वाला है, 9000 पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए जो है यहाँ पर क्या पोस्ट मांगा गया है, डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए GNM में, या तो आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया है। और उसके लिए जो आपको 17000 जो है पर मंथ मिलने वाला है। मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए आपको 100 पोस्ट है, मिनिमम मैट्रिक और इक्विवेलेंट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 9000 पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। रेडियोग्राफर ट्रेनिंग के लिए आपको डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए कम से कम, ठीक है, और इसका जो है 9000 जो है स्टिपेंड मिलने वाला है पर मंथ। फार्मासिस्ट ट्रेनिंग का भी सेम है। तो इसका लास्ट डेट कब तक है फॉर्म फिलअप करने का, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में दिया गया हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट, या ऑनलाइन अप्लाई होगा जिसमें ये वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्या क्या लगेगा आपको फॉर्म फिलअप करने में, कैसे कैसे आपको भरना है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया है। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, कहाँ पर क्या होने वाला है आपका, सारा चीज़ डिटेल्स दिया गया है। इम्पोर्टेंट है डेट दिया गया है, स्टार्टिंग माने कब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, 23/9/2022 से अप्लाई है और 8/10/2022 को लास्ट डेट है, मतलब दैट मीन्स क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये था डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। यदि आपको इस वीडियो को अच्छा लगे देखिएगा, अच्छा लगे जो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए हमारे चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।